हर बात पर जनता के बीच जाने वाले केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अंदर किसी भी हालत में समझौता नहीं होगा, पार्टी बंद कर देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गलत काम से कभी समझौता नहीं करेंगे। संदीप कुमार पर दिल्ली वालों से राय लेंगे। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है, संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। आशुतोष की ज्ञान वाणी पर होगा दिल्ली डायलॉग। ये गिरफ्तारी तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन सीडी सामने आए, क्योंकि उसमें साफ प्रतीत हो रहा था कि संदीप कुमार ने खुद वो सीडी बनाई है। जनता से वोट के बदले किए वादे ऐसे कैसे होंगे पूरे? लोगों को उनका इस्तीफा लेना चाहिए कि दिल्ली बर्बाद कर रहा है तू और यहाँ से भाग। महिला कल्याण मंत्री ऐसे तो फिर किससे सुरक्षा की उम्मीद? गरीबी रेखा के कार्ड के एवज में रेप, इससे शर्मनाक और घिनौनी हरकत कुछ हो नहीं सकती। महिलाओं की सुरक्षा पर वादे के बड़े बड़े एक्शन जीरो। सरकार चलाने वाले अब ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? नॉर्मल आम आदमी पार्टी, पार्टी में रोज एक करप्ट नेता आ जाता, कभी कोई कभी किसी पे कुछ हो रहा है, कभी किसी का स्कैंडल हो रहा है, तो बस पार्टी की तो वैसी इमेज खराब हो रही है। आपकी नियत पर दिल्ली डायलॉग। सबको ऐसे ही भरा गया। अभी एक करोलबाग से हुए खड़े, उनका भाई जो उसमें पकड़ा गया है पिछले महीने मर्डर के अपहरण के केस में, किडनैपिंग केस में पकड़ा गया है, तो क्या चेकिंग हुई है? बोलते हैं कि हमारे सब पाक साफ हैं, कोई पाक साफ नहीं। उनको पावर चाहिए बस, और कुछ जनता उनता से उनसे कोई लेना देना नहीं है, यही है बस मेन। सुनिए केजरीवाल क्या कहती है दिल्ली। एक और डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के घर पहुंची है, घर की तलाशी ली गई है। पुलिस की एक टीम अब से थोड़ी देर पहले सुल्तानपुरी के एफ ब्लॉक में संदीप कुमार के घर पहुंची थी। एफ ब्लॉक के इस घर में संदीप कुमार अकेले रहते थे। पुलिस को आशंका है कि संदीप इसी घर में महिला के साथ थे और इसी घर में ये वीडियो बनाया हो सकता है। पुलिस के पास घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे की चाबियां थी, लेकिन बाहर से ऊपर की सीढ़ियों का लॉक खुलने की वजह से पुलिस ऊपर के कमरों में नहीं जा पाई। पुलिस की टीम ने करीब 20 मिनट तक संदीप कुमार के घर की तलाशी ली। इस बीच आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में पुलिस संदीप कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। संदीप कुमार के खिलाफ कल ही एक महिला की शिकायत पर यौन शोषण का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने संदीप कुमार से 12 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने संदीप कुमार से महिला के वीडियो और तस्वीरों को लेकर सवाल पूछे, लेकिन संदीप कुमार ने महिला के आरोपों से इनकार किया। संदीप कुमार ने महिला के रेप के आरोपों को खारिज कर दिया। संदीप के मुताबिक उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ये राजनीतिक साजिश है। संदीप ने यह भी दावा किया कि वीडियो में वो नहीं है और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। दिल्ली पुलिस ने संदीप कुमार से 12 घंटे पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने संदीप से वीडियो और महिलाओं के साथ उनकी तस्वीरों को लेकर कई सवाल पूछे। आपको बताते हैं, पुलिस ने केजरीवाल सरकार से बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार से क्या सवाल पूछे। पहला सवाल, पिक्चर और वीडियो में दिख रही महिलाओं को क्या आप जानते हैं? दूसरा ये कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई कितनी है? तीसरा ये, क्या आप इन महिलाओं से मिले थे? चौथा सवाल, क्या ये वीडियो आपने खुद बनाया? पांचवा, अगर हाँ तो वीडियो बनाने के पीछे क्या मोटिव था, मकसद था? छठा सवाल, क्या ये वीडियो आपने किसी और को भी दिया है? सातवां ये कि महिला ने कहा कि आपने राशन कार्ड बनवाने के लिए उसे बुलाया था, ये कितना सच है? वहीं पुलिस ने पूछा कि क्या ये मोबाइल वीडियो है या फिर स्टिंग कैमरा इस्तेमाल किया गया था? वहीं अगला सवाल था, महिला ने कहा कि उसे नशीली ड्रिंक दी गई थी, क्या ये सच है? वहीं ये कि वीडियो कब और कहां बनाया गया? वहीं 11वां सवाल कि जब वीडियो बनाया गया तो क्या आपको पता था कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो चल रहा है? 12वां सवाल, आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वीडियो बन रहा है? और 13वां सवाल, बाकी और महिलाओं की जो फोटो आ रही है वो महिलाएं कौन है? 14वां सवाल पूछा, महिला का आरोप है कि आपने उसको राशन कार्ड और नौकरी का झांसा दिया था, इसमें सच्चाई कितनी है? 15वां सवाल, महिला का आरोप है कि आप रात 10 बजे के बाद ही मिलने के लिए क्यों बुलाते थे? 16वां सवाल, आपके करीबी और कौन कौन है?
17वां सवाल ये कि आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं और कितने बजे आते हैं। 18वां सवाल, क्या परिवार वालों को इन बातों की जानकारी थी। 19वां सवाल, वीडियो बनाने का मकसद क्या था। 20वां सवाल ये कि क्या आप महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, दो चीजें, ये सवाल हमने जो फेरिस्त इस वक्त दिखाई लिस्ट, एक तो ये कि पुलिस को अब तक क्या हाथ लगाया, क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाना है, वो क्या दलील देगी, क्या कुछ बोलेगी, क्या पुलिस कस्टडी मांगेगी। दूसरा, अभी कुछ देर पहले जब कहा जा रहा है कि पुलिस पहुंची थी घर पर मंत्री जी के, जो पूर्व मंत्री है उनके, तो यहां पर क्या किस इरादे से पुलिस पहुंची थी, क्या कुछ उसे मिला है। हाँ जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जब पुलिस को जानकारी मिली कि जो वीडियो है वो जब महिला ने बयान दिया था कि महिला उसके घर पर भी गई थी संदीप कुमार के, तो इसी आधार पर पुलिस उसके कमरे पर पहुंची है और वहां से ये कुछ जो वहां से कुछ मिले उसको, इसलिए वहां पर पुलिस गई थी। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि नीचे वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहां पर उस कमरे में गई और वहां पर रुकने के बाद तकरीबन 20 मिनट वहां पर रुकी है। और उसके बाद ऊपर वाले जो फ्लोर है वहां पर ताला लगा हुआ था और उसी वजह से उन्होंने ताला तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनके पास चाबी नहीं थी पुलिस के पास, इसलिए 20 मिनट तक नीचे वाले फ्लोर पर रही और अंदर से कुछ सामान जो है जो कि पुलिस ने लिया है और वहाँ से पुलिस लेकर के वापस आ चुकी है। अब पुलिस आगे और जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी पुलिस छापेमारी कर सकती है। और मैं आपको बताऊं कि सचिन, अभी कुछ ही यहाँ पर देर में संदीप कुमार को कोर्ट यहाँ पर लेके जाएगी और यहाँ तक कि जो कि संदीप के परिवार वाले हैं, जिसमें बताया गया कि उनकी पत्नी यहाँ वो आई थी यहाँ पर जो कि उनसे मिलने के लिए, और वो भी जो है कोर्ट में पहुंची हुई है। और इसी के साथ अभी कुछ ही देर में संदीप को जो कि पुलिस है उनको कोर्ट में लेके जाएगी और वहां पर उनकी पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी। जी, यानी पुलिस कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। और ऐसी भी बात की जा रही थी कि ये जो पूछताछ की गई है, पुलिस को कुछ पुख्ता चीज़ें हाथ लगी, भले अड़े हुए थे नीरज इस चीज़ पर, लगातार ये अड़े हुए थे कि ये उनकी फ़ोटो नहीं है, संदीप अड़े हुए थे कि ये उनकी तस्वीर नहीं है या फिर वो इस वीडियो में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त जो कि पुलिस ने तैयार की थी, एक सवालों के पूरी लिस्ट थी जो कि लगातार पूरी रात भर जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ किया, हर सवाल का जवाब उनसे तलाशा, उनसे पूछा, और उसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संदीप कुमार ने नहीं दिया है, क्योंकि पुलिस जब पूछताछ करती है तो सवालों को घुमा फिरा के पूछती है एक सवाल को, तो ये पुलिस ने बिल्कुल एक पूरी फहरिस्त तैयार की थी, उसके बाद में पुलिस ने लगातार उनसे रात भर पूछताछ की है और कुछ सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना था कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो दिख रहा है वो जो है खुद नहीं है, क्योंकि वो जो कि उनका वजन है वो ज़्यादा है और इस वीडियो में जो दिख रहा है उसका वजन कम है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद जैसी महिला सामने आई, क्योंकि महिला ने जो बयान दिया उस पर इस पूरे केस का डिपेंड होना है, क्योंकि महिला ने जो बयान दिया है उसी केस को लेकर के आगे पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। और यहाँ तक कि अब जो है पुलिस जब संदीप को लेकर जाएगी तो वहाँ पर उनके जो वकील हैं क्या बातें रखते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है सचिन। जी नीरज, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इस पूरे मामले में आप भी कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जहां पहले दिन से ही संदीप कुमार के खिलाफ हैं, तो वहीं आशुतोष ने खुलकर संदीप कुमार का समर्थन किया था। अब एपी के दो नेता खुलकर आशुतोष के खिलाफ सामने आते हैं। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद केजरीवाल सामने आए और साफ साफ कहा कि उन्हें उनकी सरकार के मंत्री संदीप कुमार से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। यानी केजरीवाल ये मानती हैं कि संदीप कुमार ने गलत किया, लेकिन इससे ठीक उलट आशुतोष ने कहा कि अगर संदीप कुमार ने आपसी सहमति से संबंध बनाए तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। तो एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि वो अपनी पार्टी के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, न करेंगे, भले उन्हें पार्टी क्यों ना बंद करनी पड़े, लेकिन इससे ठीक उलट आशुतोष कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं वीडियो में किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हुई, लिहाजा इसमें कुछ गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार पर उनकी पार्टी के आंदोलन को धोखा देने का आरोप लगाया, तो आशुतोष कहते हैं हमेशा से नेताओं के इस तरह से संबंध रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष के खिलाफ अब आपकी नेता अलका लांबा भी सामने आ गई है। अलका लांबा ने कहा है कि संदीप कुमार के अश्लील वीडियो से जो विवाद खड़ा हुआ था, आशुतोष के ब्लॉग ने उस आग में घी का काम किया है। वहीं दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने संदीप कुमार को निर्दोष साबित करने के लिए गांधी जी को बदनाम करने तक का आरोप आशुतोष पर लगाया।
संदीप कुमार के बचाव में संदीप की तुलना महात्मा गांधी और नेहरू पर करने वाले आप नेता आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी के अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं। दिल्ली के महिपालपुर विधायक देवेंद्र सहरावत ने कहा है कि आशुतोष को लेकर दिल्ली के सीएम और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से अपना रुख साफ करने की मांग की है। देवेंद्र सहरावत ने कहा है कि एक आरोपी को बचाने के लिए जिस तरह की तुलना आशुतोष ने की है, वैसी तुलना कभी भी राजनीति में किसी ने नहीं की। किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ शोषण करेंगे टिकटों के ऊपर, इन सब तरीकों से, इससे बदतर कोई बात नहीं हो सकती। ये सबसे बुरी बात है। और जो कोई भी नेता ऐसा काम करता हो, अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नौटंकी नहीं होनी चाहिए, बोलने से नहीं चलेगा। और ये रिपोर्टें आई हैं पंजाब में, मैं इसलिए मैं आया हूं। हम सैनिक रहे, हमने जो है अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए, 20 साल लड़े हैं, और अब जो है आम आदमी पार्टी में तीनों चुनाव लड़े हैं, तो हमारा हक बनता है कि पता करें जमीन पर कि सच है क्या। और यही देखने आए हैं, और ऊपर से जो शराब पी के जो है आप पत्रकारों से लड़ाई कर रहे हो। इतनी मेहनत लोगों ने करी, इतनी दुआएं लोगों की लगी हुई, इतने लोगों की मेहनत सारी आम आदमी पार्टी के साथ, ये कैसा जो है बर्ताव है? 4 लोग जो है लेकर पूरे देश को काबू करेंगे, ये नहीं चलने वाला। देखना पड़ेगा जो है मामला सही, पूरी जनता की उम्मीदों को सही तरीके से करना पड़ेगा। झाड़ू जो है साफ करने की थी, वो गंदगी गंदी हो गई। झाड़ू इतनी गंदगी जो आपने फैला दी, इसको साफ करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ये डिबेट विबेट चलवाने से नहीं चलेगा। अगर महात्मा गांधी और उनको वो 20-20 साल उन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता के लिए जो है इतना सैक्रिफाइस किया था, अब उनके बराबर खड़े हो गए? 22 साल के मुड्डे 24 साल के मुड्डे को जो महात्मा गांधी के साथ कंपेयर करने लगे, ये देश पागलों का है क्या? देश में लोगों को मालूम नहीं है? कैसी बात करते हैं आप, कैसी डिबेट आप खड़े कर रहे हैं? अपनी गंदगी को छुपाने के लिए इस तरह की चादर उड़ना चाहते हैं, जनता को बार बार बेवकूफ बनाना चाहते हैं। गलती है तो उसको मानना चाहिए, सजा देनी चाहिए उसकी। तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। लोग अब ये कह रहे हैं कि सरकार अपने काम पर ध्यान तो देती नहीं, ध्यान देने की बजाय दूसरे तरह के मामलों में उलझ रही है। विधायक मंत्री किसी न किसी विवादों में घिरे हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार से जी मीडिया रिपोर्टर यशस्विका मल्होत्रा की रिपोर्ट। करीबन 1.5 साल पहले दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, इनसे जानते हैं क्या आपका भरोसा अभी भी आम आदमी पार्टी पर बना हुआ है? नहीं, अब भरोसा कहाँ रह गया, वो तो जेल जा रहे हैं। उनमें तो हर महीने 2 महीने में 1 या 2 मंत्री जेल में चला जाता है। विश्वास क्या रहेगा जी, आप बताइए आपका क्या भरोसा बना हुआ है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और शुरू से जब से भी आए हैं सब भ्रष्ट, जितने भी MLA बनाए हैं सबों के ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस, रेप केस और इस टाइप के हैं। और हम तो बिल्कुल भी नहीं वो कहते कि दोबारा इसको जो है वो करा जाए। और ऐसा आदमी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की वो लेना चाह रहा है, तो बिल्कुल भी जो है ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी जो है केजरीवाल, इस जैसे आदमी को तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा दिल्ली गवर्नमेंट को जो है वो करके जो है चुनाव होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपको लग रहा है कि जब से 1.5 साल करीबन हो गया आम आदमी पार्टी को आए हुए, दिल्ली में कुछ बदलाव हुए, कुछ डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट ये हुई है कि हर एक चीज़ के लिए हमारे केजरीवाल साहब जो हैं वो सेंटर को दोषी बनाते हैं। जो उनका काम है, जो उन्हें करना चाहिए, उसको करने की तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमने केजरीवाल जी की सरकार बनवा करके बहुत बड़ी गलती की। इसके लिए क्यों लगता है आपने, क्यों गलती की? इसलिए कि कोई भी काम नहीं हो रहा। जैसे सोमनाथ भारती ने अपने वाइफ के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, पहले सबसे पहले तो उन्हीं का आया था, वो मंत्री थे, कानून मंत्री थे, कानून मंत्री ऐसे करते अपनी वाइफ के साथ। उसके बाद नरेला में अपना कार्यकर्ता के साथ सोनी जो कार्यकर्ता थी उसको तंग करा गया, उसने सुसाइड कर लिया। आज संदीप कुमार जी आ गए महिलाओं अपनी कार्यकर्ताओं के साथ में, जो राशन कार्ड बनवाने आती हैं उनके साथ ऐसे गलत गलत काम करते हैं। कैसे इन पर जनता भरोसा करे, कैसे इन पर अपना विश्वास रखे? ये ऐसे ही काम करते रहे तो कैसे दिल्ली सरकार चलेगी? जनता ने इन पर विश्वास करके इनको दोबारा अपना बहुमत में लेकर आई थी, और बहुमत इस बारे लेकर आई थी कि दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। सर विशाल जी कहते हैं कि मतलब जैन धर्म के बाबा के ऊपर वो कहते हैं, इधर आशुतोष जी ने कहा कि गांधी जी अपनी सालियों के साथ मतलब कुकर्म करते थे रात को, जिनका इनके हर एक नेता का हर थोड़े दिन में बयान आता है किसी न किसी को लेकर, और खुद इतने ही मतलब दुश्वार हैं कि मतलब गलतियां करे जा रहे हैं। जनता ने पता नहीं क्या सोचकर इन्हें इलेक्ट किया था। मेरे हिसाब से तो सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए, आगे सरकार कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए। आशुतोष के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने
सीएम केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल को यह साफ करना चाहिए कि वो आशुतोष पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने संदीप कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये गिरफ्तारी तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन सीडी सामने आए, क्योंकि उसमें साफ प्रतीत हो रहा था कि संदीप कुमार ने खुद वो सीडी बनाई है। और वो सीडी क्या है, वो तो एक अननेचुरल सेक्स और ब्लू फिल्म का एक जीता जागता सबूत पेश किया है दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के मंत्री ने। तो इसलिए मात्र सस्पेंड करने की जो आम आदमी पार्टी ने एक नौटंकी की थी उसका पर्दाफाश हो गया, और जितना सरलता से और सहजता से इस मामले को लिया था आम आदमी पार्टी, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये मामला है। देख, बहुत ही शर्मनाक है कि आप पार्टी जो बड़े उसूलों की बात करके आई थी उसका असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। गरीबी रेखा के कार्ड के एवज में रेप, इससे शर्मनाक और घिनौनी हरकत कुछ हो नहीं सकती। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता आशुतोष संदीप कुमार को बचाते हुए राष्ट्रपिता तक का अपमान कर देते हैं। केजरीवाल को जवाब देना होगा कि आखिर वो आशुतोष पे क्या एक्शन ले रहे हैं, और साथ ही संदीप कुमार को कड़ी सजा होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और आपके विधायकों पर अब तक भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगता रहा है, लेकिन ये पहला मामला है जब किसी मंत्री का इस तरह का वीडियो सामने आया है। संदीप कुमार को लेकर केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहते हैं दिल्ली के आनंद विहार के लोग, निवृत्ति मोहन की रिपोर्ट देखिए। सर, सबसे पहले आप बताएं हमें कि क्या लगता है आपको, केजरीवाल सरकार जब से दिल्ली में बनी उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया? कोई काम नहीं किया, एक पैसे काम नहीं किया। हमारे यहाँ नालियाँ गंदी पड़ी हुई है, दीवार टूट गई है, उसके लिए लेटर लिखा गया, कोई देखने तक भी नहीं आया। और उसके बाद गंदगी इतनी है जिसकी वजह से, और कहते हैं कि हम हर मोहल्ले में हर जगह दवा की सप्लाई कर रहे हैं, कोई आता कि मोहल्ले में एक दवा की कोई मियां वितरण करने के लिए नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक खुले थे वो, मोहल्ला क्लिनिक कभी नहीं आया, दर्शन भी नहीं दिया, हमने तो कभी देखा नहीं। हम अपने घर के चार परिवार हैं, चार में से सबको बुखार चिकनगुनिया है। इलाके में मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं, कोई भी नहीं, यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। और जो बैक लेन्स में जितनी भी गंदगी पड़ी हुई है, जो बैक लेन्स है वो गाड़ी को उठवाई नहीं है, पूरे पानी भरे हुए हैं, उस तरीके से पूरा का पूरा है, गंद पड़ा हुआ है, मच्छर है उसमें, कोई देखने वाला नहीं है। तो बिल्कुल हमारे हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे पूरी दिल्ली का क्या हाल है, क्योंकि साफ सफाई की वजह से आज हमारे जो इतनी बीमारियां बन गई हैं, हर अस्पताल में प्राइवेट में गरीब आदमी मर रहा है, किसी भी तरीके के टेस्ट नहीं हो रहे, वहाँ मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, अस्पतालों का ये बुरा हाल है। कि मैं वॉलंटरी काफी सालों से सेवा कर रहा हूँ, हेडक्वार में बैठ रहा हूँ, एक एनजीओ मैंने चैरिटेबल या लैब भी बनाई हुई है। आज इतने मरीज परेशान है कि जो हर इतना कभी मेरा कभी जिंदगी में इतनी हालात नहीं थी। पेंशनें लोगों की रुकी पड़ी है हमारे यहाँ क्लस्टर से, जब भी लोग आते हैं हमारे फ्लैटों में, हमारे आनंद में जो विधवा औरतें हैं उनकी पेंशनें तक रुक गई हैं। मैडम उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर आना, आपने आय ज्यादा भर दी, बताओ मैं आय कमाता हूँ, कोई कमाता है, चल नहीं पाता, मैं क्या कमा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर आना, लगी हुई थी, मैंने बनवाया सर्टिफिकेट, बना हुआ मेरा, यहाँ से करवाया, वहाँ गीता कॉलोनी जमा किया हमने, उन्होंने